हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके फ़ोन पर यहाँ पे जो बैक बटन होता है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये बैक बटन जो है वो आपके फ़ोन पर यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो गाइज़, यहाँ पे आप लोग जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे अपने फ़ोन को एक बार रिबूट कर लेना है, या तो फिर अपने फ़ोन को एक बार जो है स्विच ऑफ करके ऑन कर लीजिए। तो ऐसा करने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। तो आप लोग यहाँ पे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, और उसके बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तब आपको जो है नेक्स्ट तरीका जो है अप्लाई करना है। तो अब आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे अपने फ़ोन में सबसे पहले सेटिंग को ओपन कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जो है एप्लीकेशन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको होम स्क्रीन का जो ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब आप लोग यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन करके ऑप्शन आएगा, तो आप लोग सिस्टम नेविगेशन में क्लिक करिए, और दोस्तों आपको यहाँ पर बटन वाले में जो सेलेक्ट रहेगा उसको जो है गेस्चर में एक बार सेलेक्ट करना है, और उसके बाद जो है आप लोगों को जो है दोबारा से जो बटन वाला जो ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको जो है इस तरीके से आपके फ़ोन में आ जाएगा, तो आपके फ़ोन में ये जो बटन है वो हट जाएगा है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे दोबारा से बटन वाले में सेलेक्ट कर लेना है। ओके, तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे इसको जो है बंद करके मतलब दोबारा से बटन वाले में सेलेक्ट करेंगे, तो हो सकता है कि ये जो आपके फ़ोन में जो बैक बटन है वो आपके फ़ोन में काम करने लगे। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे फ़ोन में पूरा जो बैक बटन है वो यहाँ पे काम कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।